हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं डोसा। डोसा हमने कई तरह के खाए होंगे, चावल के, रवा के, गेहूं के। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के डोसा या बेसन के पुडला। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर और सबके साथ ज़रूर शेयर करें। बेसन के पुडला बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून बेसन लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे दो ऑनियन की प्योरी बना ली है और 2 टमाटर की प्योरी बना ली है। उसको अच्छे से मिक्सर में क्रश करके प्योरी हमने रेडी कर ली है, जिससे कि अच्छे से वो मिल जाए। हमने कट करके ऊपर से नहीं डाला है, जिससे कि अच्छा सा पतला सा हमारा पुडला बने। ये दोनों प्योरी हम ऐड कर देंगे बेसन में। इस तरह से करने से एकदम पतला बैटर हमारा रेडी होएगा। अच्छे से हम डाल देंगे दोनों प्योरी। यहाँ पे मैंने सीक्रेट ट्रिक ऐड की है, जो आप जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि हमारा पुडला बहुत ही अच्छा और अच्छा सा टेस्ट हमें मिलेगा। उसके बाद सारे मसाले हम ऐड करेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया पत्ता एकदम अच्छे से हमने कट करके डाला है यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे छाछ। छाछ जो खट्टी वाली होती है ना, वो वाली हमने यूज़ की है। इससे हम अपना बैटर रेडी करेंगे, जिससे कि अच्छा सा टेस्ट मिलेगा। हमने यहाँ पे अपना बैटर को पानी के साथ नहीं घोला है, यहाँ पे हमने छाछ के साथ घोला है, जिससे कि अच्छा सा बैटर रेडी होगा। एकदम खट्टा मीठा सा टेस्ट मिलेगा हमें। ये हमारी सीक्रेट ट्रिक है। और एक और दूसरी ट्रिक है, जिससे जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखें। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमने छाछ अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से डालनी है। इस तरह से कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। हमारी बैटर रेडी है। उसके बाद हम नॉनस्टिक तवा रेडी करेंगे। गरम हो जाए उसके बाद तेल इस तरह से डालकर हम रेस्ट ऑफ निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से बैटर डालकर अच्छे से करेंगे। इस तरह से एकदम परफेक्ट राउंड राउंड तरीके से करना है, ऐसे कि परफेक्ट थिन हमारा पुडला बनकर रेडी होएगा। अच्छे से हम पकने देंगे, उसके बाद ही हम पलटेंगे। लो फ्लेम में ही पकने देंगे। हमारा पक गया है पुडला, हम पलट देंगे। हमारा पक जाएगा उसके बाद एकदम परफेक्टली चारों ओर से निकल जाएगा। पकने देना ही मेन इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों के मैसेज आते हैं कि हमारा उठलता नहीं है, हमारा चिपक जाता है। यही ट्रिक है, आपको अच्छे से पकने देना है। आपको डरना नहीं है कि ये जल जाएगा या क्या, अच्छे तरह से पक जाएगा। उसके बाद चारों ओर से अच्छे से निकल जाएगा। अच्छे से हम पकने देंगे। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा एक पुडला बनकर रेडी है। हम दूसरा भी इस तरह से रेडी कर लेंगे। अगर आपको इस तरह से ना आए तो आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। वो तरीका भी मैंने इसमें दिखाया है, उसके लिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये आसान तरीका है, पर अगर किसी को नहीं आता इस तरह से तो आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। एकदम थिन करना है हमें, जिससे कि अच्छा सा पतला हमारा पुडला बनकर रेडी होएगा।
अच्छे से हमने चारों ओर पकने दिया। देखो ज़रा ज़रा से हम चेक करते जाएंगे कि हमारा पक्का या नहीं। अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा हम तेल डालेंगे चारों ओर, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और धीरे से चारों ओर से हम धीरे धीरे गल के पलटेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ज़रा भी परेशानी नहीं हुए हमें पलटने में, इतनी आसानी से पलट गया है। अच्छे से हम दूसरी साइड भी पकाएंगे, थोड़ा सा तेल भी डालेंगे। बच्चों को तो ये बेसन का डोसा या बेसन का पुटला बहुत ही पसंद आता है। मेरा बच्चा तो यही कहता है कि मुझे यही बना के दो, खाने में भी टेस्टी है और प्रोटीन से भी भरपूर है, हेल्दी भी है। अच्छे से हम पका लेंगे। ये देखो अच्छे से डिजाइन हो गई है, हम दोनों तरफ अच्छे से पका लेंगे। अब हम सीखेंगे दूसरा तरीका, इसके लिए बने रहे। दूसरा तरीका ये है कि हमने अच्छी तरह से कटोरी भरकर तवे में डाल देना है। उसके बाद ये एक आता है डोसा मेकर, या बोलो कि पुडला मेकर तरीके से मार्केट में, इससे अच्छा सा जो कोई उस तरह से नहीं कर पाता ये इससे आसानी से कर लेता है। इस तरह से हमें अच्छे से फैला देना है चारों ओर से। आप देख सकते हैं कि उस तरह से हमें झंझट नहीं होती कि एक ही तरफ हमें फैलाना है। यहाँ पे आपको जिस तरफ भी ज़रूरत लगे उस तरह से आप फैला सकते हैं और जल्दी से हमारा पुडला फैल जाता है। ये दूसरी टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अच्छी तरह से हमने स्प्रेड कर लिया है और एक तरफ पक गया है, हम दूसरी तरफ पका लेंगे। थोड़ा सा ही तेल डालेंगे और अच्छी तरह से उसी मेथड से हमें पका लेना है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा बेसन का पुडला बनकर रेडी है। हम इसे टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है ना फ्रेंड्स। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना आपका पुडला कैसा बना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। मिलते हैं नई रेसिपी लेके, तब तक के लिए बाय।